तो नमस्कार है आप सभी को विद्यार्थी 2.0 पर। चलिए आज मैं एसएससी जीडी के फिर न्यू जीके जीएस लेकर आ चुकी हूँ। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कितना है 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SBI। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए विद्युत उपकरण को कहते हैं। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संधारित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया है वह था, क्या था। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुलाब वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1221 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। BCG के किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजराती लोक गीत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरावली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना का शुरू किया गया है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लैंड एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी NMML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।